और हम उसका बिल्कुल अनुपालन करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने यह अपने पेज 35 से 36 में ये कहा कि जब आपके पास में डिप्लोमाधारी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध थे तो आपको बीएड के साथ ब्रिज कोर्स के साथ उसको अलाउ करने का कोई औचित्य नहीं था। ये साफ साफ उसमें लिखा हुआ है कि, और इसी कारण से भी यह रद्द हुआ है, क्योंकि आपको याद होगा, जानकारी होगी कि केवीएस ने शिक्षकों की कमी के कारण से यह प्रस्ताव मांगा था, दिया था, यह अनुरोध किया था, जिसको एनसीटी ने मान लिया। लेकिन राजस्थान के मामले में सुप्रीम कोर्ट की यह तीखी टिप्पणी है कि जब आपके पास में वहाँ पर पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी मौजूद थे डिप्लोमाधारी, तब फिर यह ब्रिज कोर्स करके बीएड को शामिल करने का क्या औचित्य है। अगर हम यही कहें कि हमारे पास जब पर्याप्त संख्या में डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी उपलब्ध हैं, माननीय न्यायालय का मानना नहीं माना जाएगा कि हम जानबूझ करके, जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया साफ साफ कि आपके बीएड अभ्यर्थी नहीं एलिजिबल हैं इसके लिए, तब उनके लिए आपकी प्रतीक्षा रहते हुए आपने डिप्लोमाधारी के अधिकार का क्यों हनन किया। इसलिए हम डिप्लोमाधारी के अधिकार का हनन नहीं करेंगे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अवमानना का भागी नहीं बनेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जिस तीखी टिप्पणी को अपना आधार बनाया है, हम उसी तीखी टिप्पणी के आलोक में